नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। रीवा न्यायालय की विशेष अदालत ने एक दुष्कर्मी को 10 साल के सश्रम कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया गया है कि मनवा थाना के अंतर्गत विक्षिप्त युवती से आरोपी ने बलात्कार किया था। पीड़िता की शिकायत के बाद थाने में अपराध दर्ज किया गया था, जिसके बाद जिला न्यायालय में ट्रायल चला, जहाँ शुक्रवार को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। पीड़िता की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता डीएन मिश्रा ने की। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार रामचरण पटेल उर्फ बड़े पुत्र रामाक्षर पटेल निवासी मनगवा के खिलाफ विक्षिप्त युवती ने अपने परिजनों के साथ मनगवा थाने में FIR दर्ज कराने पहुंची थी, जहां परिजनों का दावा था कि आरोपी अपनी बाइक में बिठाकर पीड़िता को खेत में ले गया। सुनसान स्थान पर पाकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बदहवास पीड़िता जब घर पहुंची तो परिजनों ने सवाल जवाब किया, लेकिन बेटी की कहानी सुनकर परिजन चौंक गए। ऐसे में पीड़िता का परिवार थाने में पहुंचकर शिकायत की। थाने में महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बयान दर्ज हुए, जिसके बाद पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया। फिर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, 366 और 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया था। वहीं विशेष न्यायालय में 2 वर्ष तक चले मुकदमे में आरोपी के खिलाफ तकरीबन 10 साक्षियों ने अपने गवाह दिए। उन्हीं गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन समाज में थी, उसका अगल बगल से आना जाना था, अगल बगल में आना जाना था। इस पे जो है अभियुक्त जो है रामचरण बड़े, ये लड़की जब शाम को निकली 6 बजे, तो इसको बहला फुसला करके तिवरी गवां ग्राम में ले गया, और ले जाने के बाद जैसे ही वो ले जाता है, सूर्यास्त का समय रहता, उसके परिजन उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो तभी उसके पिताजी पहुंच गए, अन्य अन्य घर के लोग पहुंच गए, गांव के लोग पहुंच गए, और फिर इसके बाद अभियुक्त ने जैसे ही देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हुए, पिताजी आ गए, टार्च के प्रकाश से उसने देखा, तो अपनी मोटरसाइकिल और कपड़े वगैरह सब छोड़ करके और वहाँ से वो फरार हो गया। और लड़की चूँकि उसके कपड़े भी अभियुक्त ने उतार दिए थे, तो उसके पिताजी ने उनके कपड़ों से ढकाया और थाना मनगवा लेकर आए, और थाना मनगवा में उसके पिताजी ने अपराध पंजीबद्ध कराया। थाना मनगवा की पुलिस ने अपराध क्रमांक 30/19 का अपराध पंजीबद्ध किया, और पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना में लिया। विवेचना में आने के बाद प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में ये उन्होंने चालान किया, और चालान क्रमांक 537/19 पर उन्होंने चालान पेश किया। 200 इन्होंने जो अपराध पंजीबद्ध किया तो 363, 366, 376, 2(1) भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध करके न्यायालय में चालान पेश कर दिया। क्योंकि इस पर मामला 376 भी था, जो सेशन ट्रायल है, ये मामला कमिट होकर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री RK शर्मा जी की अदालत में ये मामला विचारण हेतु आया, जिस पर मेरे द्वारा शासन के पक्ष में पैरवी की गई, और इस पूरे मामले में मेरे द्वारा 10 साक्षियों का परीक्षण कराया गया, और 10 साक्षियों का परीक्षण कराने के बाद अदालत ने निर्णय सुनाया है, जिस पे आरोपी को 376 पर दोषी पाया है, और 376 के उसमें इसको ₹5,000 का अर्थदंड। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।